चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। समस्त मीडिया के स्वागत करें, मैं समस्त गोरखपुर की मीडिया ANI से लेकर जोन जोन मीडिया है यहाँ पर मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, हिंदुस्तान की मीडिया ने इतना सहयोग दिया, भारतीय जनता पार्टी को इतना सशक्त बनाया और हमारे राष्ट्रवादी निस्वार्थ सच्चे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के लिए पूरा हिंदुस्तान जैसे जुटा है उसका एक हिस्सा आज गोरखपुर भी बन गया। ये प्रधानमंत्री का चुनाव गांव के प्रधान का नहीं है और ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव है 2019 में जिनके विरुद्ध में सारे स्वार्थी लोग खड़े हैं, इसको महामिलावटी गठबंधन कहते हैं। कोई वंशवाद के लिए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को अपने आप को CBI से बचाना है, किसी को बाल बच्चा के लिए कुर्सी लेना है, किसी को लंदन में प्रॉपर्टी खरीदना है, सारे स्वार्थी लोग का झुंड मिला है। एक निस्वार्थ गरीब चाय वाला जो प्रधानमंत्री बन गया उसको गिराने के लिए, उसको परास्त करने के लिए जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को दिया हो पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। अल फयाद अवार्ड अभी यूनाइटेड अरब ने दिया उनको दुबई से, उनको पुतिन ने रशिया से सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड दिया, उनको US से मिला, उनको बेस्ट लीडर अवार्ड मिला UN से। इतने सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर के नाम पर, टॉप मोस्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है। अब विरोधी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा, अपना बाल नोच रहे हैं क्योंकि उनको हार दिख रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नारी का अपमान कर रहे हैं, अश्लील भाषाओं पर आ गए, अभद्र भाषाओं पर आ गए, ओछी राजनीति पर गिर चुके हैं क्योंकि उनकी परास्त, जैसे कि मैं कहता हूँ फ्लॉप फिल्म की तरह महागठबंधन एक फ्लॉप शो हो चुका है। जो आप देखिएगा 23 मई को इतना बड़ा तमाचा जनता दे रही है हमको, हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की, कमल का फूल एक राष्ट्र का फूल हो चुका है। समस्त मीडिया के स्वागत करें, मैं समस्त गोरखपुर की मीडिया ANI से लेकर जोन जोन मीडिया है यहाँ पर मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, हिंदुस्तान की मीडिया ने इतना सहयोग दिया, भारतीय जनता पार्टी को इतना सशक्त बनाया और हमारे राष्ट्रवादी निस्वार्थ सच्चे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के लिए पूरा हिंदुस्तान जैसे जुटा है उसका एक हिस्सा आज गोरखपुर भी बन गया। ये प्रधानमंत्री का चुनाव गांव के प्रधान का नहीं है और ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव है 2019 में जिनके विरुद्ध में सारे स्वार्थी लोग खड़े हैं, इसको महामिलावटी गठबंधन कहते हैं। कोई वंशवाद के लिए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को अपने आप को CBI से बचाना है, किसी को बाल बच्चा के लिए कुर्सी लेना है, किसी को लंदन में प्रॉपर्टी खरीदना है, सारे स्वार्थी लोग का झुंड मिला है। एक निस्वार्थ गरीब चाय वाला जो प्रधानमंत्री बन गया उसको गिराने के लिए, उसको परास्त करने के लिए जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को दिया हो पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। अल फयाद अवार्ड अभी यूनाइटेड अरब ने दिया उनको।